सर, ध्यान से देख लो इसको। और ये देखिए कैसे कर रही है ये स्ट्रेट हेयर, देखिए। इसको तो बोलते हैं खुद करके देखे, ठीक है। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि खुद करके क्या देखे, देखो ये देखो खुद करके, पार्लर में जाओ कटिंग कराओ, ये कराओ। मैंने कटिंग पर उसके लिए एक पार्लर वाली होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे भी नीता है। अगर किसी के घर ना हो तो जाना भी पड़ सकता है। नहीं, मैं खुद भी कर सकती हूँ, अकेले भी खुद ये भी कर सकते हैं, अपने आप नोट गिन सकते हैं। हाँ, ये भी खुद करके देखे हैं, किसी और से नहीं गिनवाने पड़ते। क्या ना, तो मशीन आती है गिनवाने के लिए, ये देखो। और किसी और से गिनवाने में धोखा भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ, मस्त हुआ तो बिल्कुल ही। और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे आज ये क्या हो रहा है, कहीं नोट गिने जा रहे हैं, कहीं घर पर ही पार्लर खुला हुआ है। एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ गित्तों में, बहुत दूर। मेरी एक फ्रेंड है अंग्रेज, जिसको आप लोगों ने अपनी हरियाणवी देसी बात में कई बार देखा भी होगा, उसके समधियाने में जा रही हूँ आज मैं महिपालपुर। गीत लेके जा रही है वो, तो आज खूब धमाल होने वाला है, जितना होगा इसमें दिखाऊंगी। बाकी अपनी हरियाणवी देसी बात पर चले जाना, खूब वीडियो आएंगी नाचने की और गीतों की, और देखेंगे वहाँ जाके क्या बंदोबस्त है। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तैयारी के साथ जा रही है, बिल्कुल। और ये देखिए, ये भी फुल तैयार, चाय पी ली है और साथ वाली बाहर खड़ी है। अभी हम निकल रहे हैं, चलिए चलते हैं महिपालपुर और देखते हैं आज समधियाने का क्या बंदोबस्त है, क्या प्रोग्राम है। हाँ, जो भी होगा मौज मस्ती आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम सारे सलवार पहन रहे और असली सुनने आना तो इसी का है, ये प्लाजो हमने तो चेंज करवा दिया इसका। कोई कुछ भी बोलने चाहे ना, ये देखो सारी बैठी हैं, ये बहन सारी प्लाजो पर करती, इसलिए मन भी बदल दिया देखो सुनने और अकेली प्लाजो में मिली फिर ये हम जा रहे हैं सुनने आने, तो सलवार अच्छी लगती है। हम चार इसमें हैं, बाकी दो तीन गाड़ियां और जा रही हैं, पूरी मंडली से वहां जाके मिलाऊंगी। कुछ थोड़ा सा दिखाई दिया था आप लोगों को। ये देख लो, ये है समधियाने की खातिरदारी, बर्फी, पेड़े, जलेबी, चाय, समोसे। फिर वही बात है, कल वाली जिसके मुंह में पानी आ रहा हो ये सारी चीजें खरीद कर खा लेना। और ये देखो ये बैठा है समधियाना। किसकी ननद है, सुनी सुने ना, किसकी ननद है? भाई देख, अच्छा मेरी आंटी थोड़ा है ये बोलते हैं ना, अच्छा हाँ देखो यह है अंग्रेज, कई कमेंट करके पूछते हैं, है अंग्रेज, कई पूछते हैं कि इसका सही में अंग्रेज नाम है क्या, भाई इसके माँ बाप ने रखा है अंग्रेज नाम है इसका। सच में नाम ही है, देखो ये इतना खत्ती है। Thank you.
आए हैं 7 बज गए और सारे दुखी हो रखे हैं। सबसे ज्यादा सन्नी कह रहा है मेरी छुट्टी थी और आज चले गए छोड़ के। अरे देखिए सिनोज सो रहा है, क्या हुआ सन्नी? क्यों मारो दुखी क्यों रहा है? गुना रहा है हाथ रख रही है मम्मी तेरे से ही पूछ रही हूँ। इसको देखो आज पूरा दिन से इसके साथ नहीं थी, अभी आई हूँ, अभी आके मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और ये देखो कैसे चिपका बैठा है गद्दी में, ऐसे चिपका बैठा है दादी के। आज 14 दिन दादी नहीं थी, दादी कहाँ गई थी बेटा? दिन में क्या क्या किया बता दे सबको। ओ देखो देखो कैसे चिपका बैठा है नए नए पपले पहन के है। और देखिए मैं वहां से की तुम्हें से क्या क्या सामान ले आई, ये एक चुनरी और ये एक मिठाई का डब्बा और 110 रुपए ये तो उन्होंने दिए हैं। लड़की एक्चुअली अंग्रेज के बहू के भाई की शादी है, मतलब सम बेटे की, तो ये अंग्रेज की समधन ने ये दिया है और अंग्रेज ने ये दिए हैं बिस्किट, ये जो सिनोए ने ले लिए और एक ये टिफिन और एक फ्रूटी जो आते ही सनी ने पी लिया। तो ये इतना सामान लेके आई हूँ मैं गीतों में से। मम्मू की जात जात मम्मू की पीछे करो पीछे करो ए इसको हटाओ ए जिनू जात ए जात ए जात जिनू जात 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 ए जात कल फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, तो अभी ये है आज की 29 तारीख की मॉर्निंग। तो मेरे से पूछा था कि धनिया का पानी क्यों पीती है, किसी का कमेंट आया था मुझे याद नहीं क्या आईडी थी वो, तो सॉरी नाम नहीं ले पाऊंगी। तो मैं धनिया का पानी ऐसे तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उससे एक दो दिन बाद ही बताया था शायद। मेरी ना थायराइड की रिपोर्ट थोड़ी सी बढ़ के आई है, इससे पहले भी मेरी कुछ साल पहले आई थी एक बार रिपोर्ट बढ़ के, तो तभी डॉक्टर ने बोला था कि अभी टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक पॉइंट भी ज़्यादा बढ़ गया तो फिर टैबलेट की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो कुछ दिन रुको फिर टेस्ट करा लेना। तो उस टाइम पर भी मैंने यही किया था और अभी भी मैं ये धनिया का पानी इसलिए पीती हूँ कि थायराइड इससे आ जाता है नॉर्मल, मेरा तब भी आ गया था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ला अभी भी कर लेती हूँ ट्राई और अभी भी आ गया है। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को पीते हुए, हो गए मेरे ख्याल से महीना भर हो गया होगा। तो कांच की बोतल में एक गिलास पानी में 3 चम्मच धनिया की डाल देती हूँ टीस्पून, और सुबह इसको पानी को बॉयल करके आधे से भी कम कर लेती हूँ मैं, तो वैसे आधा करना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तो मैं इसको ज़्यादा जला देती हूँ, आधे से भी कम कर लेती हूँ, 1/4 भाग रखती हूँ मैं, और फिर इसको 2 घूंट में ही पी जाती हूँ दवाई समझ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है ये, रात भर भीगा रहता है और फिर सुबह उबाल उबाल के इसको छान के और तब पीती हूँ, तो मैं इसलिए पीती हूँ ये पानी। तो आज की वीडियो इतनी ही बस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।